रानीवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल के किनारे एक गांव था जिसका नाम मानपुर था। उसमें चंपा नाम की एक गाय अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन वो घास चरते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में काफी दूर चलते हुए वो शेर की एक गुफा के पास में आ गई। उस गुफा में एक शेर बैठा था। उसने चंपा को देखा तो वो बाहर निकल आया और उसने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अब मेरी भूख अच्छी तरीके से मिटेगी। ये देखकर चंपा बहुत डर गई, पर अब भागने का कोई फायदा नहीं था। उसने शेर से कहा, तुम मुझे खा लेना, लेकिन एक बार मुझे अपने बच्चे से मिलने दो। शेर ने कहा, अरे तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, भला एक बार भागने के बाद भी कोई वापस आता है? तुम वापस नहीं आओगी, चंपा बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं इसी जगह पर तुमको मिलूंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चंपा वापस गांव लौट गई। उसने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए काम पे जा रही हूँ। ये कहकर चंपा वापस जंगल में लौट गई। शेर ने उसे वापस आया हुआ देख कर कहा, चंपा तुम बहुत अच्छी हो और तुमने अपने वादे को भी निभाया है, पर मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो तुम सबका कान्हा हूँ, छोटा कृष्णा। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि अपने पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा और आज से तुम खुशी खुशी अपना जीवन बिताओगी। ये कहकर भगवान कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए और चंपा खुशी खुशी अपने बच्चे के पास गाँव लौट आई।